नीति आयोग हमारा जो चैप्टर है दैट इज हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को मैं आपको बता दूं कि हमने दो भागों में विभाजित किया है, एक है हेल्थ प्लानिंग और एक है मैनेजमेंट। तो हेल्थ प्लानिंग वाले में ना हम पहले तो पढ़े थे प्लानिंग साइकिल, सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था कि कमिटीज कौन कौन सी होती है, याद है वो हमने पढ़ा था, बोर कमिटी, मुदलियार कमिटी। अब इसी हेल्थ प्लानिंग के तहत हमारा थर्ड टॉपिक है दैट इज नीति आयोग। तो शुरू करते हैं भाई, ये नीति आयोग है क्या? नीति आयोग ना इंडियन गवर्नमेंट ने ये एस्टेब्लिश किया था 1 जनवरी 2015 से। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मतलब हमको देश को आगे बढ़ाना है। और नीति आयोग ने किसकी जगह ली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है, दैट इज नेशनल प्लानिंग कमीशन, जो 1951 दैट इज 1951 से काम कर रहा था, उसको रिप्लेस किया है नीति आयोग दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये आपको याद रखना है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एस्टेब्लिश किया है। कब एस्टेब्लिश किया है? 1 जनवरी 2015 को एस्टेब्लिश किया है। फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसको रिप्लेस किया? दैट इज नेशनल प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। ठीक, उसके बाद आता है चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग का। तो नीति आयोग के चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन हैं। तो ये तो हमने थोड़ी सी जानकारी ले ली कि भाई नीति आयोग दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्या होता है, कब एस्टेब्लिश हुआ था, किसको रिप्लेस किया और कौन इसका चेयरमैन है। सबसे मुख्य चीज जो आपको याद रखनी है नीति आयोग में, वो है उसके फंक्शंस। तो इसके फंक्शंस याद रखने हैं। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि भाई हमको प्रमोट करना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमको भारतवासियों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ठीक करना है या ऊपर उठाना है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट। और बाकी जो है ना वो उससे रिलेटेड ही है। आपको अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भारत के रहने वाले या भारतवासियों का बढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? पहली चीज तो इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज है या हमारे भारत के जितने भी रिसोर्सेज है उनका बेहतर इस्तेमाल हो सके। अब ये याद रखना कि रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें आती हैं। रिसोर्सेज में आता है मनी, रिसोर्सेज में आता है मैन पावर और रिसोर्सेज में आता है टाइम। ये रिसोर्सेज की नॉर्मल डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछे रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है तो आप बोलोगे मनी, मैन पावर और टाइम, MMT। ठीक, तो उसके अलावा फिर अपने नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं इंडिया में, जितने कोल माइंस वगैरह ये सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। तो हमारा दूसरा फंक्शन है कि भारत के जितने भी रिसोर्सेज होंगे ना उनका बेहतर इस्तेमाल हो सके, उसके लिए नीति आयोग ने क्या किया? सबसे पहले तो नीति आयोग करता है कि भाई जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे देश के उनके बारे में पूरा असेसमेंट कर सके, जानकारी निकाल सके, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या खनिज पदार्थ हैं, कितने रिसोर्सेज हैं, सबके बारे में जानकारी ले ली। उसके बाद एक बेहतर प्लान बनाए जिससे कि इन रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सके या इस्तेमाल हो सके। तो हमने एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि बेहतर इस्तेमाल रिसोर्सेज का करने के लिए सबसे पहले तो रिसोर्सेज का असेसमेंट किया, क्या है, कितना है, कहाँ कहाँ है। फिर हमने एक प्लान बना लिया कि कैसे उसका यूटिलाइजेशन कर सके, कि कैसे उसका बेहतर इस्तेमाल कर सके। ये सब करने के बाद एक चीज इम्पोर्टेंट है जो नीति आयोग करता है और वो बेहतर या एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन के लिए बहुत जरूरी है रिसोर्सेज के, दैट इज मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। जितने भी प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं ना देश में उनको पूरी नजर रख सके और समय समय पे उनकी जांच करे, दैट इज उनकी मॉनिटरिंग करे और उनका इवेल्युएशन करे जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो इस तरह से रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। तो ये सारे काम नीति आयोग हमारा करेगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक करना है तो बेहतर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सको। उसके बाद आता है प्रोडक्शन बढ़ा सको। अब इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं हमारे देश में, इतनी सारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनका प्रोडक्शन हमको बढ़ाना है। गवर्नमेंट की हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो जो नीति आयोग होता है ना उसके जो थिंक टैंक होते हैं वो क्या करते हैं, वो सरकार को जानकारी देते हैं
कौन कौन सी बेहतर स्ट्रेटजीज हैं जो देश अपना सकता है जिससे कि बेहतर प्रोडक्शन हो सके या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके, और दूसरी चीज नई नई टेक्निकल एडवाइसेस देता है नीति आयोग जिससे कि देश का या देश की इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ सके। तो ये हो गया आपका थर्ड फंक्शन, दैट इज प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है। और फिर फोर्थ जो है और सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है लोगों का, तो आपने रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल कर लिया, बहुत अच्छी बात है। देश में इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है ना, वो है कि भैया अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है तो आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दो लोगों को, जॉब अपॉर्चुनिटीज दो, काम दो उन लोगों को। अगर उनके पास काम रहेगा तो बट ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो उनका अच्छा हो गई। तो उसके लिए नीति आयोग क्या करता है, पहली चीज तो टेक्निकल अपग्रेडेशन पे फोकस रहता है उसका, कि भाई बेहतर बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके और उसको जितना हो सके उसको अपग्रेड कर सके। और सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कैपेसिटी बिल्डिंग, कि आप ज्यादा से ज्यादा मैन पावर को ट्रेन करो, ज्यादा से ज्यादा मैन पावर को इंटीग्रेट करो, आप अच्छे बेहतर काम पे रखो उनको, उनको काम सिखाओ। दैट इज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। इन दो तरह से आप बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देश के लोगों के लिए ला सकते हो। तो ये कुछ नीति आयोग के बारे में है कि भाई नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, कब एस्टेब्लिश हुआ था, किसको रिप्लेस किया, कौन उसका चेयरपर्सन है। फंक्शंस सबसे इम्पोर्टेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, वो कैसे करेंगे आप, रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करो, देश का प्रोडक्शन बढ़ाओ, और उसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा दो। ठीक, तो इतनी चीजें आपको नीति आयोग में पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं थ्योरी एग्जाम की, तो थ्योरी एग्जाम में इस पे शॉर्ट नोट आपको आ सकता है, तो पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो वाइवा का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भाई नीति आयोग, सबसे पहले तो भाई आप उसका फुल फॉर्म बता दो, सेकंड इसने किसको रिप्लेस किया है, तो नेशनल प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है इसने। फिर वाइवा के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भाई फंक्शंस बता दो इसके। फंक्शंस में आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल, प्रोडक्शन बढ़ाना है और जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी है। अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं, तो हमारे नोट्स और स्लाइड्स में अंडरलाइन पार्ट जो होते हैं वो एमसीक्यूज होते हैं, तो इसमें मुझे एमसीक्यू मिला तो नहीं, मगर जो मुझे लगता है जिसपे एमसीक्यू आ सकता है, पहला कि कब नीति आयोग कब से शुरू हुआ, इस पे आपको एमसीक्यू आ सकता है। दूसरा, नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया, तो नेशनल प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, ये एमसीक्यू आ सकता है। एक और एमसीक्यू आ सकता है आपको कि भाई फंक्शंस ऑफ नीति आयोग आर ऑल एक्सेप्ट, तो इन चार में से कोई भी तीन दे देंगे कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, रिसोर्सेज का बेहतर एक्सप्लॉयटेशन, प्रोडक्शन बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है।